बस आ गए हैं बालकनी पर। और कल मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा फीवर था, मतलब सहरी में 102 103 ऐसे चल रहा था। सुबह जॉब पर जाने के लिए उठे लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाई कि जा पाए, तो मैसेज ड्रॉप कर दिया कि आज नहीं आएंगे। पूरा दिन का मेरा यही हाल रहा। और तो आज रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत थोड़ी बेटर है लेकिन फीवर अभी भी है और कोल्ड तो है ही है। मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है, हम ही नहीं मतलब मेरे घर पे भी ज़्यादातर सबका यही हाल है, और भी लोगों मतलब ये इसी तरह बीमार हैं। ये वायरल है जो फैला हुआ है जिसमें पेट में दर्द, लूज मोशन और फीवर होता है। चलिए कितने दिन जॉब से हम घर पर बैठेंगे, छुट्टी कितने दिन लेंगे, सीएल वगैरह हो जाता है। तो आज की सलाम दुआ शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। चलिए जब एकदम रेडी हो गए आप निकला जाए, टाइम से बस एक जैकेट पहनेंगे और निकलेंगे। चलिए चला जाए। तो ये है मेरा आज का आउटफिट जो पोल्का डॉट्स में है और ब्लैक एंड येलो में है। तो चलिए हम रेडी हो गए हैं। रमशा का काम चल रहा है, इनकी मॉर्निंग की 6 बजे की शिफ्ट है। रमशा लॉक करो। और हमने जैकेट वगैरह भी पहन लिया। चलिए अब निकला जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलिए चला जाए। पहले ये वाली लाइट ऑफ कर दें, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल आता है, फालतू लाइट जलाने की ज़रूरत क्या है, रोशनी तो है ही है। बस जैकेट वैकेट पहन लिया है, अब फटाफट भागा जाए अपनी जॉब के लिए। चलो जी आ गए। आ गए हैं वापस घर और तबीयत ख़राब रही स्कूल में भी। चलिए अब पर चलते हैं। आजकल लखनऊ में मतलब इतनी खुदाई चल रही है, अंडरग्राउंड वायरिंग चल रही है कि पूरा लखनऊ जैसा लगता है कि वो पहाड़ी इलाके में हम लोग रहने लगे। इतनी ऊंची ऊंची एकदम पहाड़ बना दिए गए हैं, उससे कैसे कैसे निकल कर आओ। तो कभी कभी लगता है हम लोग शिफ्ट हो गए हैं पहाड़ी इलाकों पर, शिफ्ट नहीं हुए, लगते रहते हैं लखनऊ में ही। चलिए आ गए हैं ऊपर। चलें, बस आ गए हैं बालकनी पे और असर का टाइम हुआ है, बस नमाज़ वगैरह पढ़नी है, फिर किचन में जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोल्ड वही ज़बरदस्त है। अफ्तार के बाद फिर स्टीम लेंगे ताकि और ज़्यादा थोड़ा अच्छा हो जाए। चलिए चलते हैं किचन में। तो असर हो गई है और हम आ गए हैं किचन में। आज हम बना रहे हैं मीठे में शाही टुकड़ा और ये दूध की चाशनी बना रहे हैं। बाकी प्याज की पकौड़ी है, अनार है और बहुत सारा सामान है रखा हुआ, क्योंकि रमशा बना रही है फ्रूट क्रीम। चलिए फटाफट करते हैं। और आज ये लोग दुकान पे इफ्तारी करेंगे, इसलिए भी थोड़ी जल्दी जल्दी सी है, जल्दी जल्दी करें, दुकान भी भेजना है। तो रमशा यहाँ फ्रूट क्रीम और शरबत एक साथ कर रही है। लेट हो जाएगा, सही बात है। और हम यहाँ पे स्वीट्स के जो ये वाले समोसे हैं, कि समोसे नहीं मम्मा मैंने बनाया है, मैक पफ जो होते हैं वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं।
और इधर कुछ रबड़ी टाइप बना रहे हैं, मतलब देर ना हो जाए। और ये बना रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी, बस रेडी हो गई है। तो ये है प्याज की पकौड़ी और इधर बघार दिए हैं चने, ये भी हो गए हैं, बन गए हैं शाही टुकड़े। और ये है चीज मैकपफ और अभी फ्रूट क्रीम फ्रूट चाट जो है बन रही है, टाइम से इंशाल्लाह हो जाएगा। लग रहा था कि लेट हो जाएंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से सब कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो जो है मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड कोहिनूर की बेटी के लिए है, उसका आज बर्थडे है और हम लोग जा नहीं पाए हैं, तो बहुत सारी विशेस आयत के लिए है। अस्सलाम वालेकुम आयत, हैप्पी बर्थडे बेटा, स्टे ब्लेस और मेरी दिल से दुआ है बहुत ज़्यादा तुम तरक्की करो, खूब ढेर सारी पढ़ाई करो, खूब अच्छे मार्क्स लाओ, अपनी घर वालों अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा नाम रोशन करो। तुम्हारे छोटे छोटे नोट्स जो होते हैं जो अपनी मम्मी के लिए और पापा के लिए तुम स्टिक करती हो, मम्मी हमें भेजती रहती हैं वो सारी चीज़ें, कभी किचन में तुम्हारे नोट लिखे होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे नोट होते हैं सारे, और ड्राइंग तुम बहुत अच्छी करती हो आयत। तो मेरी दिल से दुआ है, बहुत ढेर सारी विशेष तुम्हारे लिए हैं कि बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, बहुत सारी दुआ मेरी तरफ से, खूब नाम रोशन करो, हम सब का नाम रोशन करो। तो तुम्हें विश करने के लिए देखो तुम्हारी आपी भी है, तो आयत को क्या बोलोगी? हैप्पी बर्थडे आयत, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। और पार्टी तो इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान बाद लेंगे, क्यों रमशा? हाँ, ज़रूर। हाँ तो बी रेडी, हम लोग पार्टी मिस नहीं करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान बाद इंशाल्लाह पार्टी ड्यू है ना? हाँ तो फिर मिलते हैं, चलो अल्लाह हाफिज और बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से तुमको। एक बात और, आयत टर्न ओनली 7 ईयर ओल्ड टुडे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ये है और ये है और ये है, ये बना रहे हैं चाय। चीनी वो सब ले चलिए। अच्छा, इन्हीं ने चाय बना लिए कलीम, बस अब आप ये लेके चलिए। तो जैगरी पाउडर है वो डल लेगा चाय में, हमजा मैच लगा के देख रहे हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए अफतारी के बाद इतनी अफतार बच जाती है। मैच चल रहा है, मेडिसिन हम दोनों रेडी हैं, लेकिन अभी जा रहे हैं अपने आप को डॉक्टर को दिखाने। फीवर 102-103 दिखा कर आए थे, लेकिन फिर आज जाना है, 2 दिन की दवा ली थी। चलिए
चाय आ गई। थैंक यू। डॉक्टर को तो दिखाने आए हैं, कह लेंगे एक कप चाय पिलाते हैं। ये कहाँ पर है? पालागंज। यहाँ पे ग्लोब ग्लोब कैफे है, कह रहे बहुत अच्छी चाय होती है, तो कुल्हड़ वाली चाय। काफी टाइम से ये बहुत तारीफ कर रहे थे कि कभी आओगी यहाँ की चाय पिलाएंगे, इत्तेफाक से आज ही हो गया। दिन गए डॉक्टर को दिखाकर अभी, क्योंकि खाकर गए थे तो अरे बाप रे बाप। तो अभी नहीं, रात में तकरीबन 1 बजे अब दवा खानी है। ये गेट लॉक कर रहे हैं, फाइनली हम लोग आ गए अंदर। चलिए चला जाए घर। तो रात में और सहरी का वीडियो कुछ हम बना ही नहीं पाए, तबीयत बहुत ख़राब थी, थोड़ी बहुत सहरी करी, ऐसे ही पूरा टाइम गुजर गया। डॉक्टर क्या गए थे, दवा लेकर आए, यही सब होता रहा। बस आज जुमा है, खूब ऑयलिंग अच्छे से कर ली है, तो जा रहे थे नहाने। हमने कहा इस व्लॉग की एंडिंग कर दें और दूसरा व्लॉग जो है उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, जुमे की नमाज के बाद इंशाल्लाह। और हाथ में ये दुपट्टा है, सोचा ये वाला सूट पहन लें, तो इसको पहले भिगोएंगे। चुंदरी का है तो एकदम छोटा सा है, ये देखिए। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।